So today we have to discuss what does the negative electronic energy of electron for hydrogen atom mean. Okay, the energy of electron ऊपर आप लोगों ने देखा था last lecture में, हमने आपको बताया था Rydberg constant की help से जो हम energy of electron at a particular energy level निकालते हैं, तो हमने negative sign लगा रखा है. वो negative sign क्या denote कर रहा है? The energy of an electron in a hydrogen atom has a negative sign for all possible orbits. जितनी भी पॉसिबल ऑर्बिट है उन सभी में हम नेगेटिव साइन रख रहे हैं. व्हाट डज इट कन्वे? सो दिस साइन मींस दिस नेगेटिव साइन मींस दैट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एट द रेस्ट. ओके, मतलब इस ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन के एनर्जी से कम है. राइट, एट रेस्ट. अ फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट इज एन इलेक्ट्रॉन दैट इज इनफिनिटली फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस इज असाइंड द एनर्जी वैल्यू ऑफ जीरो मैथमेटिकली. राइट, जो इलेक्ट्रॉन आपने फ्री मान रखा होता है वो न्यूक्लियस से इतनी ज्यादा डिस्टेंस पे है कि न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्सेस उस पर कुछ काम नहीं कर रहे, एंड उस समय हम उसको मान लेते हैं वॉट, उस समय हम उस इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन है और उसका एनर्जी जीरो मानते हैं. यहां पर जब वो आया तो एक्चुअल में जब हम नेगेटिव चार्ज, आप लोगों ने पढ़ा होगा इन्फिनिटी से आप जब लाओगे न्यूक्लियस की तरफ तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जैसे ही अट्रैक्ट होना शुरू होगा अपने आप अट्रैक्टिव फोर्सेस काम कर जाएंगे. और जब सिस्टम काम कर रहा है तो वर्क डन नेगेटिव होता है, वर्क डन नेगेटिव है तो एनर्जी हमें नेगेटिव में डिनोट करनी होगी. मैथमेटिकली दिस करेस्पॉन्ड टू सेटिंग एन equal to infinity in an equation, that is E infinity is equal to zero. Electron gets closer to the nucleus, the value of N decreases, right? So En becomes larger in absolute value and more negative. Absolute value electron का बढ़ जाएगा, मतलब magnitude बढ़ जाएगा, but sign negative में आएगा. The most negative value in an electron is given by the most negative energy value is given by n is equal to 1. जब आप first orbital में electron को रख देंगे तो वो electron nucleus के closest है, उससे ज़्यादा closed हो नहीं सकता. So उस condition में energy सबसे ज़्यादा negative आएगी. Second में रखेंगे तो कम negative, third में रखेंगे तो और कम negative, और finally infinity पे free electron रख दीजिए तो उसका energy हो जाएगा zero. Clear? Which correspond to the most stable orbit. इसीलिए फर्स्ट ऑर्बिट, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन सबसे कम है तो हम मान लेंगे वो मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट है. वी कॉल दिस ग्राउंड स्टेट, और इस इलेक्ट्रॉन की स्टेट को हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं. क्लियर? आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. लेट्स मूव अहेड. Yes, I have to switch to this book, right, from NCERT, because I personally think that Bohr's theory and the postulates and equations are not very well explained in that book. So just we will have a quick look of this book. This is actually R.D. Madan's book, right, from which we are going to study the Bohr's theory. And here you will get the things, you know, in a better way. So postulates of the Bohr's theory already you have done, जो हम लोग कर चुके हैं उसमें ज्यादा टाइम नहीं जाएगा. फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स, यहाँ पर सर्कुलर ऑर्बिट्स फिक्स हैं, आपको पता है इनडेफिनेट ऑर्बिट्स नहीं है. पहला पॉइंट इन्होंने दे दिया था दैट इलेक्ट्रॉन सिर्फ रोटेट करेंगे उन सर्कुलर ऑर्बिट्स में जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू h/2π या फिर उसका सिंपल होल नंबर मल्टीपल है. स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स हैं, उनको KLMN और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला गया था.
See, you can easily understand with the help of this diagram. These are the different energies of the different levels. And after that, we were having the formula for this. Huh. Whenever electron jump from ground state to excited या फिर excited से वापस आता है, तो जो h nu release होगा वो delta E के equal होगा. ये भी हम लोग discuss कर चुके हैं. Structure of atom. इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से जा रहा है तो फोटोन अब्सॉर्ब किया हाई स्टेट पे, और जब वापस आएगा तो फोटोन एमिट करेगा. इसी से आपको अब्सॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रा मिल रहे थे. प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम दैट इज एमवीआर शुड बी होल नंबर मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई फॉर एनी ऑफ द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. अच्छा, कुछ चीजें डिराइव की गई इससे. क्या डिराइव किया गया? फॉर एग्जाम्पल, nth orbit of hydrogen atom. Hydrogen atom के लिए main ये derivation थे. So hydrogen atom की nth orbit का radius आप इस तरीके से calculate कर सकते हैं with the help of Bohr's model. और इससे अगर हम first का calculate करते हैं, एक चीज students आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, charge का एक नया unit आपको मैं introduce करा देता हूँ. इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम होता था. एक यूनिट ESU होता है बेटा, अगर उसमें हम इसको रखेंगे तो इट इज 4.8 × 10⁻¹⁰. ओके, कीप दिस थिंग इन योर माइंड. रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, सो फर्स्ट ऑर्बिट में आप ये देखिए यहाँ पर एन स्क्वायर किया है, आपको एन स्क्वायर की जगह पर वन स्क्वायर कर देना है. एन मीन्स नंबर ऑफ ऑर्बिट, सो वन स्क्वायर करने का मतलब एच स्क्वायर अपॉन 4π² ME. ये वैल्यू आ जाएगा और इसको आप सॉल्व करके बोहर का फर्स्ट रेडियस निकाल सकते हैं, दैट इज 0.53 angstrom. राइट, सारे वैल्यू सिर्फ पुट किए गए हैं, एच का वैल्यू, पाई का वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, एंड E में means charge का value, ESU में रखते हैं. ESU is equal to gram with the power under root gram, means gram with the power 1/2, centimeter with the power 3/2 and second inverse. Clear? तो units cancel हो जाते हैं, कहने का मतलब ये है. Relation between Rn and R1, अगर आप nth orbit के लिए निकालते हैं, for example you are facing a question जिसमें आपको nth orbit के लिए निकालना है, तो you need not to do anything else. अब आपको ये वैल्यू लर्न हो गई है 0.53 फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट. एवरी टाइम यू नीड नॉट टू मल्टीप्लाई, आपको सिर्फ एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द nth ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम. क्लियर? इन केस आपको अलग अलग एटम्स के लिए कैलकुलेट करना है तो उसके लिए भी सॉल्यूशंस है. अभी तो हाइड्रोजन एटम के लिए देख लेते हैं. थैंक यू. सो वी हैव सीन अबाउट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सॉरी रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth शेल फॉर बोर्स एटम, सॉरी फॉर हाइड्रोजन एटम. ओके, and now we are going to see the energy. ये भी hydrogen atom के लिए है students, इस बात को बहुत ध्यान से देखें और ध्यान से अपने brain में fix कर लें कि Bohr ने जितना postulate दिया था वो hydrogen atom के according दिया था. Hydrogen या फिर hydrogen-like atom. Hydrogen-like atom क्या होता है? जिसमें सिर्फ one electron हो. For example, helium. Helium में दो electron होता है, He plus कर दें तो hydrogen-like atom हो जाएगा. Right? Energy of electron in the nth orbit, that is En, is equal, is given by 2π² / ME² / n² / h². ये फॉर्मूला आप लोगों को लर्न करने हैं पोस्टुलेट बना करके. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. एंड यस, एनर्जी वैल्यू जैसे जैसे n का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो एनर्जी का वैल्यू इंक्रीज करेगा. यू पीपल नो वेरी वेल, आप इसमें पुट करके एनर्जी का वैल्यू निकाल सकते हैं. राइट, फॉर एग्जांपल फर्स्ट शेल के लिए निकाला गया है, तो फॉर फर्स्ट शेल
आप एन स्क्वायर की जगह पर वन रख देंगे एंड यू विल गेट दिस माइनस 313.6 किलो कैलविन कैलोरी पर मोल. रिलेशन बिटवीन ईएन एंड ईवन, व्हाट इज ईएन? एनर्जी इन द एनएच शेल अपॉन ईवन एनर्जी इन द फर्स्ट शेल. सो इसको निकालने के लिए आप सिंपली देख सकते हैं वॉट एवर इज द एनर्जी इन द फर्स्ट शेल उसको आप एन स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एनर्जी इन द एनएच शेल. मैं आपको पहले बता चुका हूँ एनर्जी सबसे कम होगा नेगेटिव में, और सबसे कम होगा मीन्स मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा फर्स्ट शेल के लिए. आगे जाकर के डिक्रीज होता रहेगा. कैसे डिक्रीज होगा? बाय द फैक्टर ऑफ एन स्क्वायर. सो इसको आप डिवाइड करेंगे यू विल गेट द वैल्यू. अगर हम आरजेस पर एटम में निकालते हैं तो वैल्यू है -21.79 × 10^-12. और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में निकालते हैं, जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूनिट यूज करते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा एटमिक कैलकुलेशंस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट काफी कॉमन चीज है, -13.6. सो इसको डिवाइड कर देंगे एन स्क्वायर से, किलो कैलोरी पर मोल में करेंगे तो 313.6. ये डेटा उन लोगों को लर्न करने की जरूरत है जिनको नीट या जेई का एग्जाम देना है, अदरवाइज दिस डेटा इज नॉट टू बी लर्न. ओके, बाकी आप डिराइव करके निकाल लेंगे. मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको स्पीड चाहिए देन यू मस्ट हैव लर्न दिस डेटा, अदरवाइज यू नीड नॉट इट एट ऑल. दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट एनर्जी ऑफ द फर्स्ट शेल इज लेस देन द सेकेंड एंड सेकेंड इज लेस देन द थर्ड. ओके, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं एनर्जी बढ़ता जा रहा है, नेगेटिव वैल्यू कम होता जा रहा है. एक्सप्लेनेशन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बाय द बोर्स थ्योरी. अच्छा, हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम आया था रदरफोर्ड का, ये अपने आप में बड़ा प्रॉब्लम था कि उन्होंने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम, तब तक हाइड्रोजन का ही स्पेक्ट्रम आया था तो उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. बोर ने कैसे एक्सप्लेन किया, लेट्स सी. सिंपल, इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे हायर रेडिएशन में, जब इनको एनर्जी दी गई तो ये बनाएंगे क्या, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. मतलब जो वेवलेंथ इसके करस्पॉन्डिंग है उनको इन्होंने अब्जॉर्ब कर लिया और बाकी वापस कर दिए. जबकि ये है आपका इमिशन स्पेक्ट्रा के केस में, जब हाई एनर्जी से वापस आएंगे, फॉर एग्जाम्पल फोर्थ में है तो 1, 2 या 3 किसी में आ सकता है, 3 में है तो 2 या 1 किसी में आ सकता है, और 2 में है तो डायरेक्टली 1 में ही आएगा. और ये बात समझ में, ये चीजें हम आपको बता चुके हैं. एनर्जी जो लिबरेट होगा वो डेल्टा ई के बराबर होगा एंड एच न्यू इज इक्वल टू E2 - E1. अगर आप इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करें जो वहां पर लिखा हुआ था, दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू टू पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच क्यूब हो जाए. अच्छा, ये तो एनर्जी नहीं, ये फ्रीक्वेंसी के लिए बेटा, एनर्जी के लिए ये वाला है दिस वन. दिस इज फॉर एनर्जी. And this black one is for frequency, right? तो frequency और energy में difference यही है. आप h cube, यहाँ पर h square है, आपने ये जो h nu था उसका h नीचे ले आए, that is it. और कुछ special नहीं किया. So you can easily observe it. Both side आप c से divide कर दीजिए. Derivation कर रहे हैं. So v by c is equal to 1 lambda हो जाएगा. मतलब wavelength के लिए equation बना रहे हैं ये. आपको अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक लर्न करें बाकी आप डिराइव कर लेंगे, ठीक है. हालांकि वेवलेंथ के केस में ये जो कांस्टेंट निकल करके आ रहा है, दिस इज कॉल्ड रेडबर्ग कांस्टेंट. ओके, रेडबर्ग कांस्टेंट जो कल हमने आपको बताया था, रेडबर्ग कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है. दिस इज योर होमवर्क. ओके, रेडबर्ग कांस्टेंट कैन सिंपली बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर एंड इट्स वैल्यू इज कैपिटल आर इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4 अपॉन एच क्यूब सी. सारे कांस्टेंट्स हैं इसमें, पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द रेडबर्ग कांस्टेंट. ओके, दिस
10.97 × 10^6 पर मीटर या फिर 1.097 × 10^7, राइट। अगर आप रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू लर्न कर लेते हैं तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। ओके, नाउ एज फार एज योर लाइमन बामर ब्रैकेट एंड पीफन सीरीज आर कंसर्न्ड, वो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं लाइमन सीरीज। हाँ, रेडबर्ग कांस्टेंट की हेल्प से ही आप फर्स्ट लाइन का देखिए वेवलेंथ निकाल लिया आपने, राइट। कि जब हम सेकेंड लेवल से फर्स्ट लेवल में आए तो कितना एनर्जी लिबरेट, कितने वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी आया, रेडिएशन आया, राइट। वेवलेंथ आ गया तो आप इसका फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, आप इसका एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड लाइन के लिए मतलब थर्ड से फर्स्ट में आएंगे तो 1026 एंगस्ट्रॉम पे, पीछे कितना आया था 1216 एंगस्ट्रॉम पे, अरे ये बात समझ में। और यही लाइंस तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आई होंगी तो उनके पीछे का रीजन एक्सप्लेन कर पाए बोर, ठीक है। लिमिटिंग लाइन अगर इन्फिनिटी से वापस आ रहा है तो कितना एंगस्ट्रॉम, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर की ऑर्बिट से, तो कितना एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ रिलीज होगा, दैट इज 912 एंगस्ट्रॉम, सिंपल। ये देखिए ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, आप देख पा रहे हैं कहाँ का रेडिएशन किस जगह के ट्रांजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दिस इज अ वेरी गुड डायग्राम, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, राइट। आई होप ऑल ऑफ यू आर टेकन, लेट्स गो अहेड। अब हम अल्फा लाइन, एच अल्फा लाइन की बात करते हैं, मींस किस कंडीशन में, जब हमारा ग्राउंड स्टेट सेकंड लेवल है, अभी तक फर्स्ट में आ रहा था तो सेकंड में, थर्ड से सेकंड में आएगा तो किस एनर्जी का आएगा, फोर्थ से सेकंड में आएगा तो किस एनर्जी का आएगा या वेवलेंथ का आएगा, ये चीजें आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लिमिटिंग मींस इन्फिनिटी से सेकंड में आएगा तो फिर क्या होगा, दीज ऑल कैलकुलेशंस आर अवेलेबल इन दिस बुक, ओके। ऑल्दो इट इज नॉट नीडेड एट ऑल कि आप सारे कैलकुलेट करें, पाशियन सीरीज में इसी तरीके से एन स्क्वायर से आप करके देख लीजिए, अलग अलग वैल्यूज रखेंगे यू विल गेट द अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेवलेंथ इन द वेरी सिमिलर वे ब्रैकेट एंड पीफन। सो ये एप्लीकेशन कल एक्चुअल में इसका ग्राउंड एरिया मैंने आपको बता दिया था, बट एप्लीकेशन पोर्शन आप लोगों को देख लेना चाहिए, इट विल बी वेरी यूजफुल इन योर क्लास 12th फिजिक्स, राइट। अभी तो 11th में इसका क्वेश्चन नहीं आता है, बट इट इज नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट फॉर योर साइंस पोर्शन, तो मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। और मैंने पढ़ाया तो मैं पूछ भी सकता हूँ इन योर क्लास 11th एग्जामिनेशन। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस एंड डिफेक्ट्स इन बोर्स थ्योरी, सीधे आते हैं बोर्स थ्योरी में, प्रॉब्लम्स क्या थे। बोर थ्योरी का पहला प्रॉब्लम था, बेटा आप लोग डिफरेंट बुक से ले रहे हैं तो आज मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, अभी तक मैं एनसीईआरटी से आपको करा रहा था, मेरी कोशिश रहती है एनसीईआरटी क्योंकि इजिली अवेलेबल है सारे स्टूडेंट्स के पास, इस बुक से आज आप कर रहे हैं तो इसके स्क्रीनशॉट पेज वाइज लेते रहिए, जैसे मैं पेज चेंज करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि सारा नहीं पढ़ना है, मैं पूरी बुक भी आपको भेज सकता हूँ बट वो 1500 पेज आपको कंफ्यूज करेंगे, दैट्स व्हाई। नो एक्सप्लेनेशन ऑफ द फाइन स्ट्रक्चर, अच्छा फाइन स्ट्रक्चर क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशनल क्वांटम नंबर्स। एक्चुअल में अभी हायर स्टडीज के बाद वी नो वेरी वेल दैट इलेक्ट्रॉन्स आपके सिर्फ ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट नहीं है, मींस दे आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट शेल्स, और शेल्स के अंदर सब शेल्स हैं, सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स हैं, ओके, एंड फर्दर ऑर्बिटल्स के अंदर उनका ओरिएंटेशन अलग अलग है। दिस ऑल थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस जस्ट इधर टुडे और इन द नेक्स्ट लेक्चर, आई थिंक इन द नेक्स्ट लेक्चर ओनली, विच विल बी ऑफ वॉट, ऑफ क्वांटम नंबर्स, राइट, the continuation of the structure of atom chapter. All right. So quantum numbers में जब आप लोग पढ़ेंगे तो मैं उसके बारे में आपको और डिटेल्ड आइडिया दूंगा, बट अभी आप ये समझ लीजिए कि बोहर ने सिर्फ शेल का कॉन्सेप्ट दिया था कि एटम में शेल प्रेजेंट है, उन्होंने सब शेल्स यानी सब ऑर्बिटल्स और के बारे में कुछ भी नहीं बताया, ओके।
और इसकी वजह से जो विद इन द शेल ट्रांजिशन छोटे मोटे हो जाते हैं और उनकी वजह से जो फाइन स्पेक्ट्रम आ जाता है। एक्चुअल में ये जो एक लाइन दिख रही थी, जब इसको बहुत ज्यादा डीपली जूम करके देखा गया तो दिस वॉज नॉट अ सिंगल लाइन, दिस वॉज अ बैंड ऑफ क्लोजली पैक्ड लाइन्स। ओके, ये बैंड था जिसमें क्लोज वेवलेंथ वाले, क्लोज फ्रीक्वेंसी वाले बहुत सारे लाइन्स थे। ओके, तो ये बहुत सारे लाइन्स क्यों आएंगे, क्योंकि सपोज करिए कोई फोर्थ एस से आ रहा है, कोई फोर पी से आ रहा है और कोई फोर डी से आ रहा है, तो इन सारे के एनर्जी फर्स्ट में आ रहा है फोर से, राइट। तो फोर से फर्स्ट में आने पर फोर एस भी हो सकता है, फोर पी भी हो सकता है और फोर डी भी हो सकता है, तीन प्रोबेबिलिटीज हैं, इवन फोर एफ भी हो सकता है। ओके, तो ये चारों बैंड काफी क्लोजली रिलेटेड होंगे, राइट। और नॉर्मल विजन में हमें लगता था कि ये एक ही है, एक ही वेवलेंथ है। अब जब डिफरेंट आए, उनमें हमें बैंड देखने को मिला, तो हमें जो है उसके अंदर सबशेल का कॉन्सेप्ट लाना पड़ा। नो एक्सप्लेनेशन फॉर द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। अच्छा, ये सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए दे पाए थे। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक का मतलब जिनमें सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन हो। ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द मॉडल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन systems, he was only able to explain for one electron system. Poly electron or multi electron systems ke liye he was failed. According to Bohr's theory, the electron move in the circular orbit round the nucleus, but the modern researchers, acha Bohr ne kya bataya tha ki electron circular orbit mein ghum raha hai, but aaj hame pata hai ki wo two dimensional circular orbits mein nahi, three dimensional orbits mein ghum raha hai, three dimensional space mein ghum raha hai. Okay, in other words, Erdős model is not flat as suggested by Bohr, but three dimensional in existence. Bohr ne 2D Erdős model ko explain kiya tha, three dimensional perception nahi tha unka atomic model ko lekar ke, theek hai. Excuse me class. Thank you. Yeah, no explanation of the Zeeman effect or Stark effect. Very important points you need to understand. What is Zeeman effect, what is the Stark effect? Maine aapko bataya na ki jo radiation hydrogen spectrum mein bana tha, jo band bane the, ek single line humko dikh raha tha, ek single wavelength ka, actual mein jab humne usko zoom karke dekha to zoom kaise kiya, right? Usko zoom kiya humne electric field ya magnetic field ke exposure mein, to samjhe. It has been observed that when an excited atom which gives a line emission spectrum is put in a strong magnetic field, jab humne us excited atom ko strong magnetic field mein rakha, to strong magnetic field ya strong electric field mein rakhne par kya hota hai, ye spdf ke beech ka gap badh jata hai, aur jab spdf ke beech ka gap badh jayega to obvious si baat hai jo line ek hi jagah par gir rahe the aur hame ek bright line single dikh raha tha, वो हमें डिफरेंट लाइंस दिखने लगेंगे। ओके, सो इट्स स्पेक्ट्रल लाइंस आर फर्दर स्प्लिट इनटू स्टिल थिनर, वो और पतले हो जाते थे क्लोज्ड स्पेस में। दिस टाइप ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इनटू अ नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड लाइंस इज कॉल्ड Zeeman इफेक्ट। स्पेक्ट्रल लाइन, जब हमने एक स्पेक्ट्रल लाइन आ रही थी, जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखा, वो सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट कर गई closely related spectral lines mein. Okay, this effect is known as Zeeman effect. Zeeman effect kab, jab hum magnetic field ki presence mein rakhenge. Same result aayega jab hum electric field ki presence mein rakhenge, fir se splitting hogi, magar tab usko hum naam denge Stark effect. The single and one and only difference between the Zeeman effect and the Stark effect is Zeeman effect takes place in the presence of magnetic field, Stark effect takes place in the presence of electric field, right? Dual nature of electron and Heisenberg uncertainty principle. हाँ, Heisenberg uncertainty principle को भी Bohr साहब explain नहीं कर पाए थे। Dual nature of electron उनकी theory में नहीं था। Dual nature of electron मतलब electron में wave nature है। अभी पीछे आपने wave particle duality पढ़ी थी। आप लोग ये जान चुके हैं कि electron, sorry, waves जो हैं, जो sunlight आ रही है या फिर कोई दूसरा radiation आ रहा है, that is having wave nature as well as particle nature. अब हम लोग ये देखेंगे कि जो पार्टिकल्स हैं, अगर वो फास्ट मूविंग है तो दे आर हैविंग पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। ओके,
सो मैं आपको बता देता हूं हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर भी है और वेव का पोजीशन फाइंड कर पाना इज क्वाइट अ डिफिकल्ट थिंग। सो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हेल्प से बेटा इसको डिटेल में इसके पीछे का रीजन अगर किसी को जानना है कि हेजनबर्ग ने यह प्रिंसिपल क्यों दिया तो यू विल हैव टू स्टडी क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम मैकेनिक्स। और क्वांटम मैकेनिक्स मेरी पर्सनल राय है कि भी आप ना पढ़ें, फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है तो एनपीटेल ओके नैपटेल करके बोलते हैं एनपीटेल, ध्यान से सुन लें, एमएचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की साइट है, यूट्यूब चैनल है, वहां पर जाकर के आप क्वांटम केमिस्ट्री सर्च करेंगे तो आईआईएससी बैंगलोर के केएल सेबेस्टियन सर के, और भी टीचर्स के पढ़े हो सकते हैं मगर और मत देखिएगा, केएल सेबेस्टियन सर के क्वांटम केमिस्ट्री के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, करीब 40 लेक्चर हैं और एक घंटे के आसपास का एक लेक्चर है, 40 से 45 लेक्चर है, ठीक है। सो अगर आपको क्वांटम में बहुत ज्यादा जानना है तो आप शुरू के 4-5 लेक्चर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स है क्या। ओके, अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज जस्ट अ सजेशन फॉर दोस्त जिनको रिसर्चर बनना है, जिनको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है, अदरवाइज सम बेसिक फंडामेंटल है, आप उसको फंडामेंटल मान लीजिए। ओके, मेरी पर्सनल राय यह है, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ सब एटमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, हेजनबर्ग क्या बोल रहे हैं कि इट इज इम्पॉसिबल, राइट, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर पोजिशन, एग्जैक्ट पोजिशन एज वेल एज एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ अ सब एटमिक पार्टिकल एट द सेम टाइम। अगर वो मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी और उसका एग्जैक्ट पोजीशन आप एक ही टाइम पर नहीं कैलकुलेट कर सकते, एग्जैक्ट उसमें कुछ एरर रह जाएगा, उसमें कुछ अनसर्टेनिटी रह जाएगा, और कितना अनसर्टेनिटी रह जाएगा यह अभी उसके न्यूमेरिकल्स में मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। सो इन्होंने दोबारा से ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बट दैट इज ऑफ नो यूज फॉर अस, हम सीधे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर या इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, दैट इज वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉगलीज इक्वेशन, डी ब्रॉगलीज सजेशन। देखिए पीछे आप देख चुके हैं कि मैक्स प्लैंक बता चुके हैं कि भाई रेडिएशन में, रेडिएशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन वगैरह को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा वेव नेचर, और हम इसलिए वेव में मान लेंगे, यानी हम रेडिएशन में मान लेंगे कि पार्टिकल नेचर है। जब पार्टिकल नेचर हमने वेव में मान लिया तो फिर कुछ साइंटिस्ट के दिमाग में खुराफात आया और उनको लगा कि जब वेव में पार्टिकल नेचर हो सकता है तो पार्टिकल्स में वेव नेचर क्यों नहीं हो सकता है, राइट? और उन्होंने मूविंग पार्टिकल्स में वेव नेचर ढूंढना शुरू कर दिया, और यहां से डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस देते हैं कि एन इलेक्ट्रॉन या कोई भी सब एटमिक पार्टिकल, देखिए अभी मैं आज इसका इक्वेशन बताऊंगा तो मैं आपको एक 80 किलो का बॉडी, मेरी बॉडी जो 100 मतलब जो भी नॉर्मल स्पीड हो सकती है, या एक क्रिकेट बॉल का निकाल लीजिएगा, काफी हल्का है, और फिर भी उसमें पार्टिकल जो वेव एसोसिएटेड है उसके साथ, उसके मूवमेंट के साथ, वो बहुत छोटी है। ओके, एन इलेक्ट्रॉन विच इज अ काइंड ऑफ मैटर पार्टिकल लाइक मैटर पार्टिकल हैज डुअल कैरेक्टर, क्या इलेक्ट्रॉन लाइक ऑल अदर मैटर पार्टिकल्स बिहेव्स एज बोथ मैटर पार्टिकल एज वेल एज अ वेव। मतलब यही वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी है कि पार्टिकल में वेव नेचर भी है और वेव में पार्टिकल